इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आपने तमाम नेताओं की बात सुन ली। अब से तकरीबन दो घंटे के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज इस बैठक में जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी शामिल रहेंगे। किस एजेंडे के साथ आज ये नेता मीटिंग में पहुंचने वाले हैं, किन मुद्दों पर बात होगी, इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बैठक से पहले अल्ताफ बुखारी से भी बात की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी उम्मीदें हैं इस बैठक से। क्या इस बैठक का एजेंडा बताया गया आप लोगों की, क्या इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है, सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कोई एजेंडा फिक्स किया गया है। उम्मीदों का जहाँ तक ताल्लुक है, हाँ, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद के पास जा रहे हो, तो जब कोई वज़ीर आज़म हिंद के पास जाए और अपनी मुल्क के वज़ीर आज़म के पास जाए, उस रियासत के नुमाइंदे जहाँ लोगों की तकलीफ़ें बहुत हैं, तो उम्मीदें तो काफ़ी होती हैं। आप क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या मांग लेके जा रहे हैं? देखिए, हम तो समझते हैं कि बेसिक जो हमारे लोगों की उम्मीद है, हम कुछ भी कहें, 370 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से हटाया गया, शायद लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं उसका दर्द है। स्टेटहुड की ज़रूर लोगों में दुख है कि जिस तरह से हमें डिग्रेड किया गया, मुझे उम्मीद है कि वो भी पूरी होगी। अब जब पूरी लीडरशिप, अब मैं बताऊँ आपको एक बड़ी अच्छी बात, यह है कि जब हम मिले तो हम ये जो कल लोग हमारे साथ सब बाकी हमारे साथी हैं, तो इनकी रिहाई के लिए भी, ये भी तो उसी डायलॉग के एक प्रोसेस से निकले ना। और ये बार बार बात की जा रही है, कई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम 370 की बात करेंगे, विशेष अधिकार जो है उसको वापस देने की बात करेंगे, और दोनों जो यूटीज बनाई गई उसको फिर से यूनिफिकेशन की हम बात। देखिए, मैं बताऊंगा, जब आप अपने घर के सबसे बड़े के पास आ रहे हैं, अपने मुल्क के सबसे बड़े नेता के पास आ रहे हैं, तो कहने को तो कुछ भी कोई भी कह सकता है। देखिए, हम मैं भी कहूँगा हमारे लोगों के दिलों में वो कहीं ना कहीं खलीज है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में है। हम कोई वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे साहब, अगर खुद नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को कहिए जल्दी उसका फैसला करें, ताकि इमोशनली कोई इनको लोगों को फिर धोखा ना दे दे। बीच में पाकिस्तान कैसे आ जाए? महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। देखिए साहब, मुझे मालूम नहीं महबूबा जी क्या कहती हैं, वो उनका अपना नज़रिया है। हम तो ये जानते हैं जो हमें मिलना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत से मिलना है, दिल्ली से मिलना है, दिल्ली की हुकूमत से मिलना है। जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी बैठक पर इंडिया टीवी की यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे बैठक को लेकर आगे क्या नया अपडेट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।